ओके गाइस, तो ये एक क्विक वीडियो है जो हमारा सेक्शन पिछली वीडियो में रह गया था क्योंकि वो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई थी। तो इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। लास्ट टाइम हमने देखा था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है और हम इसको निकालते कैसे, ठीक है, प्रोग्राम्स में। तो इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है और उनको प्रोग्राम्स में से निकालते कैसे हैं। अब आप इसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करोगे, या आपसे इंटरव्यूअर पूछता है कि आपने इतने वेरिएबल्स यूज़ करें, हाउ कैन यू इम्प्रूव इट, हाउ कैन यू रिड्यूस द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो दैट्स योर जॉब, वो आप प्रैक्टिस करोगे। मेरा काम क्या है, मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी प्रोग्राम को देख के एनालाइज़ कैसे करोगे कि उसकी करंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है क्या। वो आप ये भी कर सकते हो, आपके खुद का प्रोग्राम लिखोगे और खुद में भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, राइट। तो दैट्स वॉट आई एम शेयरिंग इन दिस वीडियो। नाउ इट्स योर जॉब, इफ़ यू डू प्रैक्टिस यू विल गेट टू नो। तो ये हुआ हमारा इस वीडियो का टारगेट, और इसमें मैं आपको वर्स्ट केस भी बताऊंगा कि आप वर्स्ट केस कैसे निकालते हो किसी प्रोग्राम का। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड ट्राई टू लर्न दिस। प्रीवियस वीडियो में हमने कई सारी चीज़ें देख ली थी अच्छे से। मेजरली हमने देखा था O1, ON और ON2, ठीक है। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होता है, ठीक है, वर्स्ट केस और बेस्ट केस, ठीक है। देर कैन बी टू थिंग्स। बेस्ट केस तो हमें पता ही है क्या होता है, O1, अगर आपका रिजल्ट पहले ही मिल गया तो। और वर्स्ट केस क्या हो सकता है, वो सिचुएशनल होता है, प्रोग्राम पे और एल्गोरिथम से रिलेटेड। तो सपोज करते हैं एक प्रोग्राम बनाते हैं, फंक्शन डज इट हैव, या ऐसे कर लेते हैं, डज इट कंटेन्स। और हमने बोला कि सपोज करो आपके पास आइटम्स हैं, ठीक है, और इन आइटम्स में से आप स्पेसिफिक आइटम निकालना चाहते हो। सपोज करो आइटम, दैट्स इट, ठीक है। अब वो आइटम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या सपोज करो आप निकालना चाहते हो 5, दैट्स इट। तो अब इसको चलाते हैं फॉर लूप को। सपोज हमने किया आई, और जो आई है वो 0 से स्टार्ट होगा। आई कब तक जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू, या लेस देन कर लो आप आइटम्स तक, ठीक है, उसकी लेंथ तक, GTH, ठीक है। फिर आई प्लस प्लस, ये हो गया। फिर हम नीचे आए लूप में और हमने बोला इफ़ जो हमारा आइटम्स है उसके आइथ इंडेक्स पे, ठीक है, अगर हमारे पास ये है हमारा आइटम, यहाँ से आइटम से आइटम कर देता हूँ मैं, और अगर ये है तो क्या करो, सिंपल आप रिटर्न ट्रू कर दो, या फिर आप कंसोल कर दो, वॉट एवर आप जो करना चाहते हो, ठीक है। और उसके बाद हम रिटर्न करा देंगे यहाँ से, नहीं तो फॉल्स। अब आप एक चीज़ नोटिस करो इस फंक्शन में क्या हो रही है, कि हमने आइटम्स लिया और आइटम चलाया। अब आप इसमें देखो क्या हो रहा है, लूप कहाँ तक चल रहा है, आइटम्स लेंथ ये 50 भी हो सकते हैं आइटम्स, ठीक है, आइटम्स कैन बी 100, कैन बी एनी, लेकिन जो हमारा मेन है ये आइटम, ये हमें कहाँ मिल सकता है इस एरे पे, ये पॉसिबिलिटी है कि हमें ये फर्स्ट इंडेक्स पे मिल जाए, और ठीक है फर्स्ट इंडेक्स पे मिल जाए, या फिर पॉसिबिलिटी है कि ये 50th इंडेक्स पे मिले, या फिर पॉसिबिलिटी है कि ये आपका 100 या जितना भी यहाँ तक जाता है। सपोज करो ये 100 ही आइटम्स है इसमें, ठीक है, मान लेते हैं 100th इंडेक्स पे मिले ये। तो इसमें अब सोचो आप, बेस्ट केस क्या हो गया आपके लिए, आप जनरल टर्म्स में सोचो, आप टेक्निकल टर्म्स में सोचो, बेस्ट केस क्या हुआ कि आपका ये पहले इंडेक्स पे मिल गया 0th पे। तो अगर आपको 0 ही मिल गया तो इसका क्या हुआ, सिंपल सी बात है, फर्स्ट कॉन्स्टेंट, ये हमने सबसे पहले प्रोग्राम में देख ही लिया था कि बेस्ट केस सिनेरियो क्या बनता है अगर आपका, या फिर O1 कब बनता है, जब आपको पहला इंडेक्स मिल गया। दिस कैन बी द वर्स्ट, दिस कैन बी द बेस्ट केस, ठीक है, अगर आपको पहले ही मिल गया, आपको लूप ही नहीं चलाने पड़े। अब आप इस केस में आ दो, यहाँ पर आपने बोला कि सपोज करो आपको पता ही नहीं है, या फिर आप 100th टाइम पे मिला, तो हम इस चीज़ के बारे में श्योर नहीं है, ठीक है, कि कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा। तो इसका बेस्ट केस तो हमने बोल दिया कि O1 रन टाइम हो गया, लेकिन इसका वर्स्ट केस क्या हो सकता है, आप किसी भी एल्गोरिथम में ऐसे निकाल के बोल सकते हो कि वॉट इट कैन बी, या फिर एवरेज केस क्या होगा। अब ये वर्स्ट केस क्या होगा, ये आप ना चेक करोगे, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि क्या होगा क्या नहीं हो सकता। तो मेनली क्या होगा, हमें पता ही नहीं है कितने नंबर ऑफ टाइम तक चलेगा, तो हम इसका बोल देंगे वर्स्ट केस इस प्रोग्राम का ON है, क्योंकि हमें नहीं पता, हो सकता है 100th पे मिले, हो सकता है 98th पे मिले, तो हम इसको वर्स्ट केस लेके चलते हैं, मतलब सबसे बुरा क्या हो सकता है इसमें, एंड टाइम्स तक पूरा चल जाएगा, इसी को वर्स्ट केस बोलते हैं। और ये हमारा हो गया रन टाइम बेस्ट केस, क्योंकि हमें पहले ही इंडेक्स में मिल गया। तो आप जब तक आपको आइटम पता नहीं है और पूरा ये नहीं पता है, तब तक आप एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, बट अगर ये प्रोग्राम है और अगर आपसे वो पूछता है इंटरव्यूअर के वॉट कैन बी द बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस, तो आप बता सकते हो। कुछ एल्गोरिथम्स में हम ये भी बोल देते हैं कि इसका एवरेज केस रन टाइम क्या होगा,
लेकिन वो स्टेटमेंट्स फिर मतलब डिपेंड करती है आपके प्रोग्राम पे कि कैसी होगी। बट अभी के लिए आप ये समझ सकते हो कि आपका वर्स्ट केस कैसे निकाला आपने, वर्स्ट केस और बेस्ट केस कैसे निकाला और बताया कैसे। तो यार अभी तक हमने देख लिया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, लेकिन इंटरव्यूअर कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताओ। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर आपको याद हो, हमने पहली वीडियो में कवर की थी कि क्या होती है, जितने भी हम वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं उसमें कितना हम स्पेस एलोकेट कर रहे हैं, ठीक है, तो और आइटरेटिवली हम उसमें कितना मेमोरी यूटिलाइज़ करते हैं, वेरिएबल में इनपुट देते हैं हम, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये हमारी कहलाती हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। समटाइम्स इंटरव्यू आपसे भी पूछ लेता है कि आपने इतने सारे वेरिएबल इनिशियलाइज़ किए हैं, क्या आप रिड्यूस कर सकते हो। कभी कभी जैसे हम कोई प्रोग्राम या फंक्शन सॉल्व करने के लिए हम एरे बना लेते हैं, ठीक है, और उसमें वैल्यूज़ एलोकेट कर देते हैं, एक से ज़्यादा 3 एरे 4 एरे बना लेते हैं, तो इंटरव्यूअर समझ जाता है कि वी कैन डू समथिंग बेटर हियर, तो वो फिर हमारी कंसिडर हो जाती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में, ठीक है। तो अगर मैं आपको एक स्टेटमेंट में बताऊँ, तो अगर आपने कोई वेरिएबल बनाया है, ठीक है, तो उसमें जितना भी आप टोटल साइज़ आप उसमें इन एलोकेट करोगे ना, दैट इज़ द पॉइंट वेयर यू हैव टू थिंक अबाउट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस का मतलब क्या होता है? स्पेस का मतलब मेमोरी होती है, ठीक है। तो अगर आपने कोई वेरिएबल बनाया है, ठीक है, और उसमें आप जितना भी इनपुट दे रहे हो, ठीक है, जितना भी आप डेटा उसमें दे रहे हो, उस पर डिपेंड करता है कि आपका स्पेस कितना यूटिलाइज होगा। तो अगर हम एग्जांपल के लिए देखें, हम यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, और इसी फंक्शन को उठा लेते हैं। सपोज़ करो आप, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, या नॉर्मली मैं कंसोल करा देता हूँ, ठीक है, कंसोल मैंने करा दिया चैनल, ओके, और इसको भी हटा देते हैं। तो अब आप मुझे बताओ कि इसकी इसको भी हटा देते हैं, ठीक है, आइटम्स इतनी बार चल रही है। तो इसमें मैंने क्या किया, मैंने कोई वेरिएबल इंक्लूड नहीं किया, ठीक है, मेरा जो एक वेरिएबल है जो कि यूज़ हो रहा है हमेशा, जिसमें मैंने एक स्टैटिक वैल्यू असाइन की। तो यहाँ पे क्या है, ये एक कोई अलग से मैंने यहाँ पे वेरिएबल असाइन नहीं किया जिसको एक अलग से स्पेस चाहिए, ये हमारा यूटिलाइज हो रहा है यहाँ पे। तो हम इसे बोल सकते हैं कि हमारा ओवन है स्पेस, ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ओवन हो जाएगी। अगर यहीं पर हम बात करें कि मैंने इस फंक्शन को कॉपी किया, ठीक है, और इसको यहाँ छोड़ देता हूँ मैं, आपको कंपैरिजन भी हो जाएगा एक बार, और यहाँ आते हैं, ठीक है, और इसमें एक काम करते हैं, एरे बना लेते हैं, ठीक है। सपोज़ करो मैंने बनाया लेट नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, एक एम्प्टी एरे है। अब इसका यूटिलाइजेशन क्या होगा, यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि जितनी भी बार कोई वैल्यू आती है मैं उसको हर बार ना यहाँ पे असाइन करवा देना चाहता हूँ आई वैल्यू को। तो नंबर ऑफ़ टाइम्स में मैंने बोला कि आई पोजीशन में मैं हमेशा एक कोई स्टैटिक वैल्यू डाल देता हूँ, सपोज़ करो चैनल, ठीक है, चैनल। अब क्या हो रहा है अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करो, तो जो नंबर ऑफ़ टाइम्स है यहाँ पे कुछ नहीं रखा उसमें, बट ये कितनी बार मेमोरी एलोकेट कर रहा है, जितनी बार भी आई चलेगा, ठीक है, और आई कब तक चलेगा, जितनी इसकी लेंथ है। तो आपको समझ गया होगा, आप समझ गए होंगे कि आप ये प्रोग्राम कब तक चलेगा। तो मैंने बोला ओ एन तक, तो इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हुई ना सिंपली वो हुई ओ एन, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, यही डिपेंड करता है कि आपका प्रोग्राम में कितनी मेमोरी है, कितना आप एडिशनल स्पेस ले रहे हो, ठीक है। अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो आप वो कर सकते हो, तो इट्स लाइक दैट। और एक और एग्जांपल देखें अगर हम इसका, तो एक सम का फंक्शन क्रिएट करते हैं, सम, ठीक है, सम फन, और मैंने बोला N1 और N2 दो वैल्यूज़ दे दी इसमें, सॉरी आर्ग्यूमेंट, और हमने बोला रिटर्न एक वेरिएबल बना देते हैं कॉन्स सम इक्वल्स टू N1 प्लस N2, ये कर लिया हमने, और इसमें रिटर्न कर देते हैं हम रिटर्न सम। अब आप एक मुझे बात बताओ, नॉर्मल सम का फंक्शन है, ठीक है, हमने इसमें क्या किया, एक सम वेरिएबल बनाया, एक वेरिएबल सिर्फ, और उसमें हमने वैल्यू को कैलकुलेट करवा दिया N1 N2 को। हाउ डज इट मैटर कि N1 और N2 का क्या साइज़ है, क्या वैल्यूज़ हैं इसमें, क्या मैटर करता है, हमने सिर्फ एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। तो हमारे केस में जो हमारा इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज़ होगी ना टू फॉर दिस सम फंक्शन, वो नॉर्मल होगी O1, ठीक है, ये वाली स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि मैटर नहीं करता किसकी क्या है, हमने बस एक वेरिएबल बनाया उसमें स्टैटिक वैल्यू दे दी जो भी आती है। तो दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी द O1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अगर आप यहीं पे दूसरे थोड़े कॉम्प्लेक्स एग्जांपल ले लो, जहाँ पे अगर आप सम रिटर्न करते हो अगर एक एरे का, ठीक है, तो अगर आपने किसी एरे का सम रिटर्न किया, ठीक है,
तो आपका एरे है उसमें कितनी भी वैल्यू हो सकती है। तो आपका जो ये रन करेगा ना प्रोग्राम, मैं क्या कह रहा हूँ आप समझ पा रहे होगे। यहाँ पे एन वन एन टू के लिए मैंने सपोज़ करो एक एरे ले लिया, ठीक है एरे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आप कैलकुलेट खुद कर सकते हो। अगर मैं इसको हटा दूँ और मैं यहाँ पे एक अंदर फॉर लूप रन करूँ, ठीक है, और वो फॉर लूप क्या करेगा, जस्ट सम अप ऑल द वैल्यूज़ इन द एरे, ठीक है। तो बेसिकली आप कितनी बार अपने लूप को चला रहे हो और कितनी बार उसमें आप वैल्यू को असाइन करवाते हो, ठीक है। आप क्या करोगे, एक वेरिएबल बनाओगे सम, ज़ीरो स्टार्टिंग में दोगे उसमें, और उसको बार बार इनिशियलाइज कराओगे आप आई वन से आई टू से। ये प्रोग्राम आप खुद लिख लेना एज एन असाइनमेंट कि आपने एक एरे इनपुट दिया और उन सब सारी वैल्यूज़ को आप करोगे। तो आप बेसिकली एक वेरिएबल तो बनाओगे ना, कॉन्स्ट सम इक्वल्स टू ज़ीरो, और आप क्या करोगे फिर बाद में एक फॉर लूप लगाओगे। फॉर लूप लगाने के बाद आप क्या करोगे, आप एरे की लेंथ तक चलाओगे, और उसके बाद उसके अंदर आप क्या करोगे, आप हमेशा ये रिटर्न करोगे ना सम इक्वल्स टू सम प्लस एरे, क्योंकि आप एरे तक चला रहे हो, और आई आई आपका इंडेक्स रहेगा, और एंड में आप क्या रिटर्न करोगे, रिटर्न करोगे आप सम। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, कब तक चला रहे हो इसको, जब तक आपकी इनपुट की लेंथ है, ठीक है। तो आप इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या कंसिडर करोगे, फिर आप इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एन कंसिडर करोगे, ओ एन, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ इट इज़, ऐसे ही हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं प्रोग्राम्स की। तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर ही है आपके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से, बट प्रोग्रामर हो आप और आपको इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है आप कैसे अवॉइड करोगे। तो दोज केसेस यू कैन डू आफ्टर डूइंग सम प्रैक्टिस। मेरा काम है, मैंने आपको बता दिया कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है और आप एक प्रोग्राम की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को समझोगे कैसे और बताओगे कैसे। नाउ इट्स योर जॉब कि आप प्रैक्टिस करो, आपको और ऑप्टिमाइज कैसे करना है, कैसे कर सकते हो आप, दैट शुड बी कंसिडरिंग।